नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इंदौर की रहने वाली श्रेया ने कुछ दिनों पहले अपना एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। दरअसल श्रेया ने यह वीडियो लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए यह बनाया था, जिसके बाद यह केस बढ़ता चला गया और पुलिस के संज्ञान में आ गया, जिसके बाद अब यह केस गृह मंत्री के पास पहुंच गया, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सबसे पहले तो आप श्रेया के द्वारा बनाया गया यह वीडियो देखिए। दरअसल श्रेया ने इंदौर पर बीच रोड पर डांस करने का वीडियो बनाया था, जिसको लेकर प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने को कहा है। मध्य प्रदेश शासन का कहना है कि श्रेया के वीडियो बनाने के पीछे इंटेंशन सही थी, लेकिन तरीका गलत था। ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे, इसीलिए इस पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। श्रेया की जेवरा क्रॉसिंग पर डांस करने की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह एक मॉडल है और इंदौर की रहने वाली है। श्रेया इंदौर के रसूमा स्क्वायर पर डांस कर रही थी, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सभी जगह वायरल हो गया है और श्रेया के ऊपर कई न्यूज भी बनाई गई हैं। श्रेया से जब पूछा गया कि इन्होंने ऐसे बीच सड़क पर डांस क्यों किया है, तब उन्होंने बताया कि उनका वीडियो बनाने का मकसद लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयर करना था। यह वीडियो जब बनाया गया था जब सिग्नल रेड था, और इसे कहना है कि जैसे ही सिग्नल रेड होता है सभी को रुक जाना चाहिए और पैदल लोगों को निकलने देना चाहिए। यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पुलिस तक पहुंच गया है। श्रेया ने उस दिन भी 200 रुपए का फाइन भरा था और अभी भी इनके ऊपर केस चल रहा है। इसके साथ ही धारा 290 लगाई गई है, जिसका मतलब होता है पब्लिक प्लेस पर दिक्कत करना। श्रेया का 30 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया गया था। श्रेया ने लेट मी बी योर वुमेन गाने पर डांस किया था। यह केस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने इस केस में सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। वहीं कालरा का कहना है कि इस वीडियो को लेकर श्रेया को मिक्स लोगों के रिएक्शन मिल रहे हैं। कोई इसे अच्छा एक्शन कह रहा है तो कोई इसे व्यूज और ज्यादा वीडियो वायरल करने का तरीका समझ रहा है। What I did maybe have been portrayed in the wrong way. I don't want to influence anybody else to do the same thing. But I think I started this as a good initiative to make people aware about the rules and things that you should not do when you are driving and stuff.